कल शाम एक सहेली आई थी। रोशन उसकी आंखों में तहकी हुई तन्हाई थी। मैंने उसका हाल जो पूछा, अंदर से वो रो पड़ी थी पर बाहर से मुस्काई थी। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, क्या किसी को ना वो भाई थी। पसंद वो जिसको आई थी, भला सा एक लड़का था। प्यार वो उससे करता था, अरे वो तो जी जान से मरता था। घर भी अच्छे, लोग भी अच्छे, पर रिश्ते से इनकार हुआ। माँ बाप को जो इख्तियार हुआ, ये दोनों साथ में पढ़ते थे या इश्क आशिकी करते थे। दुनिया वाले क्या कहेंगे, इस बात से सब डरते थे, इस बात से सब डरते थे। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सक्सेस स्टोरी में। शुरुआती शायरी। सब लोगों ने फील की होगी कि जब रिलेशनशिप का पता घर में चलता है और ये शब्द सुनने मिलते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या कहेंगे, यानी कि कास्ट प्रॉब्लम की वजह से जब दो दिल टूट जाते हैं कैसा महसूस होता है। आज के सक्सेस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे स्टूडेंट ने मैनिफेस्ट कर लिया फाइनली उसके प्यार को, मान गए सब लोग और हो गई प्यार की नैया पार। चलिए शुरू करते हैं आज के सक्सेस स्टोरी। मेरे प्यारे दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। अगर प्रेम वाली प्रॉब्लम है, समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया, हेल्पलाइन नंबर ये रहे, फटाफट से कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाइए। फटाफट से पढ़ लेते हैं आज की सक्सेस स्टोरी जो हमें भेजी है अविनाश ने। अविनाश लिखते हैं, जय श्री कृष्ण ऋषभ सर, मेरा नाम अविनाश गुप्ता है। सबसे पहले मैं ऋषभ सर आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे अनमोल चीज़ आपकी वजह से मुझे मेरे लाइफ की सबसे अनमोल चीज़ मिली। मैं अभिषेक सर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस जर्नी में गाइड किया। सर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मुझे कामाख्या देवी यंत्र से मिली। मेरा टूर मैनेजमेंट का काम है। 4 साल पहले मेरा एक टूर था केरला में जिसमें 40 लोग थे। मैं मैनेजर था तो सबसे मेरा अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। 40 लोग में एक लड़की थी जिसका नाम अपेक्षा था, वो गुजरात से थी। टूर में हमारी अच्छी बातें हुई और हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी थी। टूर पूरा होने के बाद हमारी बातें होती रहीं, मुझे उससे प्यार हो गया और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। उसके बाद वो मेरे साथ शिमला के टूर में आई और मैंने वहाँ उसे प्रपोज़ किया और उसने हाँ बोल दिया। सब ठीक था। 3-4 मंथ के बाद उसकी शादी की बात चलने लगी घर पे, तो उसने अपने घर पर बात की, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया और उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। उसने कहा कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, इस रिलेशनशिप को यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उसने ट्राई किया ना मैंने ट्राई किया। हम दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक दिन मैंने ऐसे ही आपका वीडियो देखा जिसमें आपने विजुलाइजेशन की बात की थी। पहले ही दिन विजुलाइजेशन में मुझे वो दिखी और मैं बहुत खुश हुआ। बट मुझे थोड़ा अजीब लगा कि 3 साल के बाद क्यों अचानक ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उसे एक मैसेज किया बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आपका मैंने एक वीडियो देखा कामाख्या देवी यंत्र का, और उसके बाद सक्सेस स्टोरीज भी देखी। मैंने अभिषेक सर से बात की, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया। मैंने यंत्र लिया और नवरात्रि में रिचुअल फॉलो किया जो आपने मुझे करने को कहा था। रिचुअल के 6 दिन बाद मुझे उनके इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आई। मैं अचंभित हो गया, मेरी उनसे बात होनी स्टार्ट हुई। पास्ट की कोई बात नहीं हुई हमारी और मैंने भी नहीं पूछा, बट अब सर हमारी बातें फ्यूचर को लेकर हो रही थी। उन्होंने सॉरी कहा और प्रॉमिस किया कि जो गलती पास्ट में हुई वो अब नहीं होगी, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे चाहे जो हो जाए। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
और अपना फ्यूचर देख पा रहा हूँ, इसकी वजह आप हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ आपका आभारी रहूँगा मुझे अपना प्यार वापस देने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषभ सर, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए, इतने सारे प्यारी प्यारी बातों के लिए। किंतु ये सारी की सारी मेहनत, ये सारा का सारा श्रेय आपको जाता है, माँ कामाख्या को जाता है, यूनिवर्स को जाता है, मेरा इसमें तनिक मात्र हाथ नहीं है। सारा का सारा हाथ आपका है, मेहनत आपकी है, विश्वास आपका है, मैं केवल और केवल एक जरिया हो सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी लोग ये सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ते वक्त सोच पाए कि नहीं सोच पाए खुद की कहानी को अविनाश के रूप में, कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ इसी तरह से अटकी हुई है, कहीं ना कहीं आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सीधा यूनिवर्स से आया है, उन लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं। अगर प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये रहे हेल्पलाइन नंबर, एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, कामाख्या यंत्र लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कीजिए, रिचुअल परफॉर्म कीजिए और सक्सेस स्टोरी भेजिए। मेरे भाई भेजिए, आपकी सक्सेस स्टोरी का तहे दिल से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं ऋषभ गौतम। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।